नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सिल्व भारती पांचवी कक्षा पाठ क्रमांक 9 नीम। सुनो और अभियन करते हुए गाओ। कविता की कवयित्री है लता पंत। तो चलो बच्चों, अब हम कविता गायन शुरू करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मन में ठानी। तो बच्चों, अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। नीम, कवयित्री है लता पंत। इस कविता में खुद नीम का पेड़ हमें नीम के उपयोग बता रहा है। बच्चों, इस कविता में हमें पता चलेगा कि नीम का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहा है, इससे पर्यावरण की हानि हो ही रही है। हमें पेड़ों को काटना नहीं बल्कि बचाना चाहिए। कविता में हमें नीम कह रहा है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। इस कविता में नीम हमें बता रहा है कि मैं तो ना ही डॉक्टर हूँ, ना ही ओझा। ओझा मतलब तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले लोग, और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ। वैद्य हकीम मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। नीम हमें उसके उपयोग बता रहा है कि नीम के सूखे पत्तों को आप अनाज में डालो, उससे अनाज में कीड़े मक्खी नहीं होगी। साथ ही में हमें उन्हीं कपड़ों के अंदर भी हमें सूखी पत्ती डालनी चाहिए, इससे उन्हीं कपड़ों की सुरक्षा होती है, तथा सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाने में भी नीम के पत्तों की सहायता होती है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम का पेड़ हमें बता रहा है शीतल, शीतल का समानार्थी शब्द है ठंडा। छाया मतलब, छाया का समानार्थी शब्द है परछाई। नीम का पेड़ यह घना होता है, तो उस वजह से अगर कोई भी गर्मी में उसके नीचे आता है तो वह शीतलता महसूस करता है और वह गर्मी और थकान से छुटकारा पाता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतनी सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ हमें बता रहा है कि मैं तो इतने सारे उपयोग आता हूँ, इसलिए आप मुझे मत काटो, मैं सूरज के किरणों में मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ, इसलिए मुझे मत काटो। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मन में मैंने ठानी। बच्चों, नीम के सभी भागों के उपयोग है। पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, जड़ी, इन सभी चीजों का हम
उपयोग करते हैं। नीम एक सदाबहार पेड़ है जिसमें औषधीय गुण बहुत मात्रा में पाया जाता है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शुद्ध होता है। खुजली, मुहासे, त्वचा के दाग, सूजन, दंत चिकित्सा, मलेरिया, बालों का मजबूत होना तथा पाचन क्रिया के रोग, चर्म रोग ठीक होने के लिए नीम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीम के पेड़ का ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं जो उपयोग में नहीं आता है। नीम का पेड़ वातावरण में हवा शुद्ध करने का काम करता है। नीम के पेड़ को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। नीम का पेड़ कड़वा होता है लेकिन बहुत लाभकारी है, इसलिए हमें नीम के पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए। अगर एक पेड़ काटा तो हमें दो पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए पेड़ बचाओ और हमारी पृथ्वी की भी आप सुरक्षा करो। तो बच्चों, कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। पहला शब्द है मैंने, कपड़े, हकीम, अनाज, थकान, सूरज, कहानी, किरणों। बच्चों, आप यह सब अपने कापी में लिखो, साथ ही में पेड़ों के उपयोग अपने कापी में लिखो। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।